हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत लोगों का प्रॉब्लम एक्सेल में कि डेट, मंथ, ईयर कैसे निकाले। किसी का डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसका आज के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ, मंथ क्या होगा। तो चलिए मैं चलता हूँ सीधा एक्सेल पर और बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने एक्सेल सीट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक डेटा बनाया है जिसके अकॉर्डिंग हमें डेटा निकालना है। हमने रोल नंबर लिया है, नाम लिया है, डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो लिया है, हमें करेंट डेट आज का डालना होगा और उसका हमें निकाल लेना है ईयर कितना हुआ, मंथ कितना हुआ, डेट कितना हुआ, साथ में दिन कौन सा है। और ये सब निकालने के बाद उसका पूरा एज क्या होगा, एज, मंथ, ईयर, डेट सब हम आज निकालने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज का डेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम है टुडे। तो उसके लिए आपको टाइप करना है इक्वल टू TODAY, टुडे, और ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर करना है। तो आप देख सकते हैं कि आज का दिन हमारा आ गया है टुडे के फॉर्मूला से। तो चलिए अब चलते हैं ईयर निकालते हैं। तो ईयर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले लेना है इक्वल टू डेट इफ, वर्ड आप ध्यान से देख लीजिएगा, डेट इफ, ब्रैकेट ओपन करना है, साथ में आपको लेना है डेट ऑफ बर्थ, कॉमा देना है, डेट ऑफ, करेंट डेट भी ले लेना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, वाई टाइप करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 26 साल निकल गया। उसी तरह आपको मंथ निकालने के लिए भी करना है इक्वल टू डेट इफ, ब्रैकेट ओपन करना है, साथ में आपको फिर से ले लेना है डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, करेंट डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, इन्वर्टेड कॉमा में ओपन करना है, वाई से हमारा ईयर हो गया, मंथ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो आप देख सकते हैं कि मंथ इनका 0 है। उसी तरह अगला हमारा डेट निकालने के लिए फॉर्मूला सेम ही है, इक्वल टू DATED IF, डेट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, डेट ऑफ, करेंट डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमको टाइप करना है मंथ ऑफ डेट, तो MD, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप हमारा दिन भी निकल गया है। हाँ, डे डे का फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी हम आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले देना है इक्वल टू और यहाँ चूज का फॉर्मूला यूज करना है, CHOOSE, चूज, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद वीकडेज का फॉर्मूला लगाना है, WEEKDAY, वीकडे, फिर से ब्रैकेट क्लोज ओपन करना है और यहाँ पे ले लेना है आपको करेंट डेट और इसको क्लोज कर देना है, साथ में कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको करना क्या है, अब थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना होगा संडे टू सैटरडे तक। वो क्या है, आपको इन्वर्टेड कॉमा लेना है और संडे टाइप करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, फिर कॉमा देना है, फिर आपको मंडे टाइप करना है। सॉरी, मंडे टाइप करने से पहले आपको इन्वर्टेड कॉमा फिर से लेना होगा, अगर एक भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप छोड़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया मंडे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर मैंने कॉमा लिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, उसके बाद हमें लेना है ट्यूजडे, ट्यूजडे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, कॉमा लेना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने के बाद आपको देना है WED, वेडनेसडे का, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है थर्सडे, थर्सडे, उसके बाद फिर मैंने कॉमा लेना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर फ्राइडे, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा लेना है क्लोज का, कॉमा, सेट, इन्वर्टेड कॉमा लेके SAT, सैटरडे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है और फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। आप देख सकते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप लिया और आपको साथ में ही बताते हैं इंटर प्रेस करने के बाद हमारा प्रॉब्लम आ गया। अब आपको मैं बता दूं कि मैं कहाँ गलती किया हूँ। अब देखिए इसमें, अब आपको देखना है, अगर एक भी कॉमा, अगर इन्वर्टेड कॉमा मैंने छोड़ा होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक एक करके मिला ले रहा हूँ, कॉमा संडे, कॉमा मंडे, कॉमा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आप देख सकते हैं कि थर्सडे के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा जो है नहीं लगाया है,
तो इसीलिए हमारा यहाँ प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम यहाँ जाएंगे और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ किया, फिर सैटरडे के लास्ट में आकर के जब हम इंटरफेस करते हैं तो हमारा सैटरडे आ गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर फॉर्मूला में एक भी मिस्टेक हुआ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहीं भी आपने छोड़ा, तो ये आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो आपको बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। चूज वीक, आपको करेंट डेट लेना है, संडे कॉमा मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे कॉमा थर्सडे, और सब इन्वर्टेड कॉमा में होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ओपन क्लोज। याद रखिएगा, एक एक स्टेप अगर आप छोड़ेंगे तो आपका काम नहीं करेगा, इसीलिए आप ध्यान से इस फॉर्मूला को लिख लें तब टाइप करें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा यहाँ पे एक साथ करना है डेट मंथ और ईयर को, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कॉन्केट नेट के फॉर्मूले से आप एक साथ कर सकते हैं। आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूं, तो यहां पर मैं आता हूं और लगाता हूं इक्वल टू सी ओ एन सी ए टी ई एन ए टी ई। याद रखिएगा, एक भी मिस्टेक आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो कॉन्केटनेट का फॉर्मूला लगाया हमने, उसके बाद हमें देना है, सबसे पहले हम ईयर दे देते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हम टाइप कर देंगे वाई ई ए आर ईयर, क्योंकि हम इसके बाद ईयर लिखना चाहते हैं, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे, फिर अगला लेंगे हम मंथ का, फिर कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा देंगे, एम ओ एन टी एच मंथ लेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर साथ में हम डेट का भी ले लेते हैं, और फिर कॉमा दे के इन्वर्टेड कॉमा में हम डेज लिख देते हैं, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 26 साल 0 मंथ 25 दिन इनका हुआ है। अब उसी की तरह हम साथ में, आप चलिए एक और किसी का निकाल के दे देते हैं, अल्टीमेटली किसी का भी ले लेते हैं, राजा KUMA और राजा कुमार ले लिया हमने। यहाँ पे आपको हम दे देते हैं इसका डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं 01 01, यहाँ पे कर देते हैं इसका हम अभी जो है 95 कर देता हूँ, 1995, ठीक है ना। अब साथ में मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका ही सेम फॉर्मूला में नीचे की ओर ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं करेंट डेट के हिसाब से करेंट डेट हमारा आ गया है और इनका हो गया है 29 साल 2 महीना 22 दिन, सैटरडे जन्मदिन है इनका। और साथ में आप देख सकते हैं कि ईयर जो है इनका 29 साल 2 मंथ 22 दिन हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेट मंथ ईयर निकालने का। तो आपको ऐसा वीडियो की ज़रूरत होगी आपकी दोस्तों को, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कंप्यूटर पढ़ते हैं, चाहे उनको बार बार डेट ऑफ बर्थ निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो इसी तरह का वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल के वीडियो को विजिट करिए, आपको बहुत सारा कंप्यूटर का आइडिया मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही आइडियाज़ के साथ। धन्यवाद।